गुड मॉर्निंग गाइस, अब मेरे बहुत बेटी बच्चों और नाती पोता सब के भगवान के माता कर रहे थे, उसे बहुत बढ़ के आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद मेरे प्यारे प्यारे बच्चे को, लौका आवरा और पुदीना अनार अनार सबके भाई जूस बना कर दिखाऊंगी बच्चे डेली। तब मैं जैसे दो बार एक बार गाजर आता था तब चल डेली लेती हूँ, लेकिन अभी आता मैं दो ही बार लेते हैं, अनार का आंवरा और पुदीना है, लौकी है तो लौकी भी डाल देती हूँ। हाँ बहुत हेल्दी रहता है गाइस, तो आप लोगों को पता है कि हम लोग कितना हम कितना फ्राई और ये खाते हैं ये और मैं, तो इसलिए हमारे पेट और डाइजेशन जिससे सही रहता है, क्योंकि मम्मी रोज सुबह हमें यही वाला जूस देती हैं, लौकी का भी देती हैं कभी कभी, और आंवला भी पीस के पुदीना भी दे देती हूं थोड़ा, आप लोग खाने में आंवला बहुत कड़वा लगता है तो इसलिए बहुत अच्छा होता है, मैं तो शुरू से बताती हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। और इसीलिए तो हम खाली सिर्फ जंक फूड नहीं खाते हैं, हम लोग हेल्दी बहुत खाते हैं, हमारे घर में सब्जियां बहुत बनती हैं। ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ आपको, जूस रेडी है, एक सेकंड। अब तक रेसिपी तो आप सबको मालूम ही चल गई है ना, तो रेसिपी सिखाने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी मम्मी ने बता दिया कि इसमें मम्मी ने अनार पुदीना और मम्मी आंवला लौकी मिलता है तो लौकी डाल देते हैं तो ये सब डाला है बस, और कुछ भी नहीं डाला इसमें, आप जो चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से, मम्मी नींबू भी डाल के पी सकते हैं ना, जैसे कई लोगों को टेस्टी लगता हो तो टेस्ट ऐसे ही लगता मस्त लगता है वैसे तो ये। चलो तो हमारी नाश्ते की तैयारी हो चुकी है, आटा बन गया है मेरा, छोले रेडी होने वाले हैं बिल्कुल, ठीक है तो बस नाश्ता करेंगे और जूस पीने के बाद हम लोग करेंगे नाश्ता, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है, उसकी तैयारी भी, कभी कभी हम नारियल पानी भी ले लेते हैं बट हम ऑल्टरनेटिव्स लेते रहते हैं क्योंकि रोज़ एक ही चीज़ भी नहीं लेना चाहिए, है ना मम्मी? हाँ बदल बदल के, हाँ हफ्ता में एक बार कभी नारियल और हफ्ता में दो बार नारियल, कभी दो बार जूस, कुछ ना कुछ पानी पेड़ पर बच्चे बहुत पीने से पेट साफ होता है। हाँ ये जूस ऐसे चबा के कोई खा नहीं सकता और इसीलिए पीस लेती हूँ, कभी कभी एक दो चम्मच लेगा ऐसे ही छोड़ देगा। हाँ सेव आता है, सेव भी डालते लेकिन सेव नहीं डालते, सेव ऐसे खाना चाहिए अच्छा लगता है, बहुत जल्दी मेरे को बच्चे ढेरी ढेर आए, जहाँ रहे अच्छे रहे मेरे बच्चे प्यारे। गाइस यहाँ पे मम्मी ने बनाई हुई है, जमाई हुई है दही, हम रोज दही जमाते हैं और दही ज़रूर खाना चाहिए गर्मियों में तो स्पेशली, बिल्कुल खाने के साथ उसे सर्दी में भी खिलाई, दही खिलाना बहुत अच्छा है, नाश्ता में जरूर लेना चाहिए, दोपहर में भी लेना चाहिए, नाश्ता में लेना चाहिए, देखो अभी तो दही बहुत पसंद है, चारों बच्चे को दही पसंद है, साथ में बहुत ये भी नहीं खाते भी खाने लगे, तुम्हें भी खाते हैं दही बहुत पसंद सबको है, साथ में हम भी मम्मी पापा भी खाते हैं। हाँ और हम घर का ही दही जमाते हैं, हाँ बाहर का नहीं लाते, अच्छा नहीं लगता है। हाँ पता नहीं कब के जमाया है कब के रखा, और वो स्वाद भी घर वाली में जो है वो बाहर की में आता भी नहीं है, डेली जमाती रोज दही जमती है हमारे यहाँ रोज, जब से मेरी शादी हुई है तीन महीने से रोज मैं देखती हूँ रोज ताजी दही जमती है। सो गाइस यहाँ पे रेडी है पापा जी की थाली, इसमें है छोले दही रोटी और खीरा। सो गाइस जूस हमने पी लिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है, तो अब हमको जाना है शाम को एक पार्टी में, मैं सोच रही हूँ पार्लर वगैरह तो मैं नहीं जा पाती हूँ उतना, तो मैं घर पे ही फेस मास्क यूज करने वाली हूँ और अपनी स्किन पे एक इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए मैं यही अप्लाई करती हूँ ज्यादा करके, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं कौन सा फेस मास्क यूज करने वाली हूँ। गाइस तो आज मैं यूज करने वाली हूँ ममर्थ का ये रेटिनॉल फेस मास्क, ये कंटेन करता है रेटिनॉल बकूची मलबरी और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स जो आपके फाइन लाइंस रिंकल हाइपर पिगमेंटेशन जैसे इश्यूज को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं और आपकी डल स्किन को इंस्टेंटली ब्राइटन अप करते हैं, इससे एजिंग प्रोसेस इवेंचुअली स्लो हो जाती है, इसका नेचुरली पर्पल कलर इसे बाकी मास्क से काफ़ी यूनिक बनाता है और नेचर की गुडनेस को सेव करके रखता है। ममर्थ के सारे प्रोडक्ट्स केमिकल्स लाइक SLS पैराबेन सिलिकन और टॉक्सिन फ्री हैं, ये सब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हैं और सब स्किन टाइप के लिए सूटेबल हैं, इन टॉक्सिन्स को अवॉइड करना ना सिर्फ आपकी स्किन को बल्कि एनवायरमेंट को भी डैमेज से बचाता है। सूख चुका है तो आप देख सकते हैं इसको रिमूव करने के बाद स्किन कितनी रिफ्रेशिंग और नरिश लग रही है और स्किन का टेक्सचर भी विजिबली स्मूद है।
आप इसका दूसरा वेरिएंट भी चेक कर सकते हैं जो है ममा अर्थ का एप्पल साइडर विनेगर फेस मास्क। इसमें है एप्पल साइडर विनेगर और रोज हिप जैसे अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स की गुडनेस जो हमारी स्किन से एक्सेस ऑयल को एब्जॉर्ब करके स्किन एक्सफोलिएशन में भी हेल्प करता है और स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। ये पोर्स को डीपली क्लेंस करने में हेल्प करता है जिससे स्किन काफ़ी स्मूद और सफल हो जाती है विद टाइम। ममा अर्थ की एक खासियत है कि वो ना सिर्फ हमारी स्किन को बेहतर बनाता है बट हमारे एनवायरनमेंट को भी बेहतर बनाता है, क्योंकि जब आप कोई प्रोडक्ट ममा अर्थ से परचेज करते हैं तो वो आपके ऑर्डर को लिंक करता है एक ट्री से जो कि वो प्लांट करते हैं और जिसे आप ट्रैक भी कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर। ममा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करना जिसमें हम और आप मिलकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ममा अर्थ ने एक ऐप भी लॉन्च की है जो कि iOS और एंड्रॉइड पर अवेलेबल है। अगर आप हमारा कोड 4G2021 यूज़ करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर। इसके प्रोडक्ट्स आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन और नायका पर भी चेक कर सकते हैं। लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हे गाइस, सो अभी हम लोग निकल रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट रेडी होने जा रहे हैं और उसके बाद निकलेंगे। थोड़ा पार्टी वार्टी है, पार्टी करने जा रहे हैं हम लोग। हम पार्टी करने जा रहे हैं अपने 3 मंथ कम्प्लीशन पे शादी के। सो हमें 3 महीने हो गए हैं शादी को उसी की खुशी में हम एक पार्टी कर रहे हैं ये बिल्कुल वो निभा निभा वाली फीलिंग है वैसे तो, बट असल में पार्टी हमारी नहीं है, पार्टी किसी और की है, तो उसमें हम अपनी पार्टी को इन्वॉल्व कर लेंगे। किसी और चीज़ की पार्टी, हम उसी में जा रहे हैं एक रिलेटिव्स के घर पिक्चर के साइड पे। So, let's see, क्या मजा आने वाला है खाने के लिए। सेम डे पड़ रही है तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना डबल फन हो जाए, हमारे लिए भी थोड़ी एंजॉयमेंट हो जाएगी और काफी टाइम के बाद मैं अपने रिश्तेदारों से मिल भी लूंगी। तो अच्छा लग रहा है सोच के भी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैं किसी से मिली नहीं। चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं, आपसे आपको भी फन कराते हैं थोड़ा सा। चलते हैं। सो गाइस, हम रेडी हैं। हमारा आउटफिट कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताना और मम्मी पापा से अभी आशीर्वाद लेकर निकलते हैं। अभी बताओ, लेट हो जाएगा वरना। ऐसे टाइम था 7 बजे का, पर आपको पता है किस वजह से लेट हुआ होगा, मेकअप में थोड़ा टाइम लगता ही है। मैं तो आगे था फटाफट ला के तू ही लेट किया है। मैं नहीं किया तो बता रहा हम लोग का सब कुछ ऐसा सेटअप, मेकअप सब कैसा लग रहा है। साड़ी मुझे मम्मी ने ला दी थी, मम्मी की और इनकी चॉइस थी, साड़ी ठीक है बनाएंगे। हाँ, मेरे बहू बेटियों नाती पोता जमाई सबको भगवान के माता रानी तरफ से मेरे तरफ से बहुत भर भर के आशीर्वाद, जहाँ रहे अच्छे रहे खुश रहे। और थोड़ा देर के लिए 2-3 घंटे के लिए जा रहे हैं, इसीलिए मन में उदास नहीं की अभी तो आ ही जाएगी, 2 घंटा में आ जाएगी, इसीलिए यहाँ से कोई भी चाहता मन तो उदास हो ही जाता है, अभी आ जाएगी। थोड़ा सा इनको पार्टी है। सो ये पहली पार्टी होगी हमारी शादी में एज अ हस्बैंड और वाइफ, पहली बार हम कहीं बाहर जा रहे हैं किसी में इवेंट में। वही पापा नहीं जा पा रहे क्योंकि वहाँ पर थोड़ा लेट भी हो जाएगा, इसलिए वो कह रहे कि नहीं तुम लोग ही चले जाओ, हम लोग कभी और जाएंगे। सो लेट्स सी कैसा रहता है, और हो सके तो कुछ लेके भी आएंगे मम्मी पापा के लिए वहाँ से खाने पीने का ही। जब तक हम आएंगे मम्मी पापा का खाने का वक्त निकल जाता है। हां हां, ये भी है। चलो जरूर कमेंट करें बच्चे, कमेंट नहीं कर रहे हिंदी में, थोड़ा करना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, कमेंट नहीं कर रहे। हां मम्मी के लिए कमेंट करो, तभी तो पता लगेगा आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। बच्चों ये आज जा रहे हैं पहली बार, तो हम लोगों की तरफ से शुभकामनाएं हैं इन लोगों को, आगे आज का पार्टी इनको सक्सेसफुल हो और जैसा भी हो आकर के वीडियो में आपको शो करके बताएंगे। और जैसा पहले भी बताया था कॉन्स्टेंटली, आज थर्ड तीसरा महीना आज शादी का, सो वो भी एक तरीके से मतलब दोनों हो गया एक तरीके से, यहाँ पर उनकी पार्टी में हम भी इंजॉय। सो चलते हैं, अभी बहुत पसीने आ रहे हैं थोड़ा। ज्यादा समय थोड़ा सा दही खाने से ज्यादा सही है तो बच्चे प्यारे करेंगे, इसीलिए कोई भी ज्यादा तो थोड़ा सा मैं दही चीनी नहीं दही तो खुद भी दे दो, लेकिन घर से थोड़ा मीठा मुँह करके जतरा सही बताए, घर से निकलो तो जतरे है तो ठीक है। भी हम लोग निकल चुके हैं, कैब में बैठ चुके हैं, मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं हम इन अ पार्टी आफ्टर मैरिज, देखते हैं। आई होप पार्टी खत्म होने से पहले हम पहुंच जाएं, क्योंकि थोड़ा सा दूर लग रहा है हमें दूर और लेट दोनों हुए। मैं जाना है फरीदाबाद और थोड़ा टाइम रिस्ट्रिक्शंस है वहाँ पे, होप कि
पार्टी खत्म होने से पहले हम पहुंच जाए, थोड़ा एंजॉय भी कर लें। और आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी रोशनी कैसे आ रही है शहर में, तो मैंने फ्लैश जलाई हुई है। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, ताकि अंधेरा ना आए। अभी हम पहुंच चुके हैं और अभी एंट्री लेंगे। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ। हवा के जैसी चलती है तू, मैं रेत जैसा उड़ता हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करता हूँ। रहा नहीं जाता। मैच में अभी जरिए थोड़ी देर खड़े रहूंगा क्योंकि बार बार लेना आना जाना पड़ेगा। जिंदगी भर का डांस निकल गया। अभी तक का जो डांस अंदर भरा हुआ था ना पूरा निकल गया। बहुत डांस किया हमने, बहुत डांस के पसीने आ गए भर भर के। लेकिन देख रहे हो जो मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने शेयर किए थे उनकी वजह से मेकअप बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल नहीं उतरा है मेरा भी। हाँ
बस मैंने कुछ लगाया नहीं इसलिए कुछ निकला भी नहीं। लड़कों का अच्छा है ना, कुछ नहीं लगाना, कोई प्रोडक्ट नहीं, 5 मिनट में तैयार हो जाओ। सो हमने बहुत सारी फोटोज भी लिए। बारिश हो गई क्या? सो गाइस बारिश भी शुरू होगी, गाड़ी का फायदा यही है कि आपको बारिश से बच सकते हैं। एंड हमने इधर बहुत सारी फोटोज ली, बहुत सारी इंस्टा पे शायद हमने एक भी नहीं बनाई, रील नहीं बनाई हमने। हम तैयार हैं, हो सकता है घर जाके बना ले, ट्राई करते हैं घर पे जाके। गाइस अभी बहुत सारी फोटो ली हमने, तो वो सारी फोटोज अगर आपको देखनी है तो सब हम इंस्टाग्राम पे डालेंगे, और इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए आपको लिंक चाहिए तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करें एंड देन फॉलो अस। वहाँ बहुत सारी अच्छी अच्छी फोटोज मिलेंगी अभी आपको जब हमने इधर लिया, और डांस की क्लिप्स भी आपको वहाँ मिल जाएंगी शायद भी मिलेंगी। सो रील्स हम ट्राई करेंगे घर जाके बनाने, क्योंकि वहाँ तुम कोई रील्स नहीं बना पाए। तैयार है, मेकअप बिल्कुल परफेक्ट है, और मैं कभी कभी ज़्यादा रेडी होती हूँ, तो ऐसा रेडी मैं कभी कभी होती हूँ, तो इसलिए ट्राई करेंगे कि रील्स बनाने। सो आपको ये फन ब्लॉग पसंद आया तो हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और हाँ एक चीज़ और बहुत मज़ा आया मुझे इसी बात, तो बहुत सारे लोग मिले जो कि हमें द फौजी फैमिली नाम से ही जानते हैं, उन्होंने हमें कई बार देखा है यूट्यूब पे, तो उस मतलब मेरे रिलेटिव्स तो जानते ही ऑब्वियसली हमको, मगर इनको तो द फौजी फैमिली नाम से पहचाना जा रहा था। अच्छा लगा, बहुत मजा आया हमें तो। एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट डाउन आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, किसका डांस अच्छा लगा। वैसे तो सबको अच्छा लगा होगा, वैसे वो डांस नहीं था, वो तो बस जो निकल रहा था अंदर से सब वही कर रहे थे। सो इट्स नॉट लाइक अ कंपटीशन बट इट वाज ऑल फन। जो 3 महीने से शादी के बाद से हम लोग कहीं निकले नहीं है, कहीं गए नहीं है, तो वो सब जो अंदर था ना वो निकला है। चलते अभी तो घर पहुंचेंगे, तब तक मम्मी पापा सो चुके होंगे, सो बहुत लेट हो गया, हमने ही इधर वीडियो एंड कर दी है। टिल देन जय हिंद। तू आती है सीने में जब जब सांसें भरता हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरता हूँ, हवा के जैसी चलती है तू, मैं रेत जैसा उड़ता हूँ, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं।